हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. अपने 5 इंसेक्ट कंप्लीट हो गए थे. अब नेक्स्ट 6th है मेथी एवं सरसों का मोइला, फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड. अब ये जो है ये सबका देखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही सरसों वगैरह का टाइम आता है तो पूरे जो है अगर आप पीले कपड़े पहन के निकल जाओ तो उस पर आपके चिपक जाता है. और ये बहुत ज़्यादा अपने राजस्थान में तो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. और ये देखो जो मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ उसमें पूरे स्टेम पे काले छोटे 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 जो है मस्टर्ड पे लगे हुए. अगर अपन पैथोजन देखते हैं तो लिफेसिस एरिसिमी ये इसका इंसेक्ट है, और जो ऑर्डर है वो हेमिप्टेरा है, और फैमिली है एफिडीडी. तो यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे देखो कि इसमें थोड़ी सी दूसरों से इसमें जो है इसकी लाइफ अलग सी है. सबसे पहली बात तो कि इसमें जो एडल्ट हैं दोनों आपको मिलेंगे. उसमें पंख भी मतलब विंग्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. और ये दोनों फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ कि विंग्स वाले भी हैं और बिना विंग्स वाले हैं. सबसे पहली बात, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा कौन सा है जिसमें एडल्ट है, उनमें खुद में जो है एक्सटर्नल करेक्टर में चेंज होता है. तो और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ आपको फील्ड में मिलेंगे तो कुछ हिल रीजन में मिलेंगे. तो यहाँ इसका थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो लाइफ में है वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स में नहीं है. फिर उसके बाद में अगर अपन इसका साइज देखते हैं तो कम ये मान के चलिए कि 10 mm के आसपास इसका होता है. फिर उसके बाद में अगर अपन कलर वगैरह देखें तो थोड़े से ग्रे कलर के होते हैं. फिर इसके जो विंग्स हैं वो विंग्स आपको दिख ही रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, और आगे की तरफ थोड़े बड़े होते हैं और पीछे वाले कैसे होते हैं, छोटे होते हैं. फिर अगर लेग्स वगैरह देखें तो 3 पेयर इसमें लेग्स होती हैं. अगर वो इसका देखो एब्डोमेन सबसे ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें 9 जो है सेगमेंट होते हैं. और इन सेगमेंट में इसको इम्पोर्टेंट लेना, हर सेगमेंट में इसमें वैक्स ग्लैंड्स होती है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है. और ये जो वैक्स ग्लैंड है, ये वैक्स ग्लैंड जो है एक अलग तरीके की इसमें से स्मेल बाहर निकालती है. और सबसे लास्ट में इसमें जो होता है एनस होता है या गुदा होता है, और ये जो है इससे एक सिक्रीशन होता है, और उसी सिक्रीशन से जो है दूसरे मेल या फीमेल इससे अट्रैक्ट होते हैं. अब उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो प्लांट है उन प्लांट को ये मान के चलिए जैसे जब सरसों का टाइम होता है तो नवंबर से लेके दिसंबर तक जो है ये दिखने लगते हैं. और सबसे ज़्यादा अगर इनका इन्फेक्शन होता है तो कब होता है, वो होता है फरवरी. जैसे बसंत पंचमी आती है आपको पता है उस समय पीला पीला, तो उस समय जो है ये सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देंगे. फिर उसके बाद में ये जो हैं इंसेक्ट, ये इंसेक्ट अंडरग्राउंड नहीं होते, यानी कि रूट्स को ये इन्फेक्ट नहीं करते, बाकी प्लांट के हर भाग को ये इन्फेक्ट करते हैं. और इस जो है सबसे ज़्यादा जो है लीफ है उसकी जो लेग्यूम है या उसके जो फ्लावर्स हैं उन पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं. और इनके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्लांट है वो सूखने लगता है. फिर उसके बाद में देखो ये तो है ही, लेकिन इस इंसेक्ट से जो सिक्रेशन हो रहा है वो सिक्रेशन जब प्लांट पे लगता है तो उस सिक्रेशन के कारण इस पे जो है फंगल इफेक्ट भी हो जाता है प्लांट पे. तो एक तो वो कर ही रहा है इन्फेक्शन, उसके अलावा जो है फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसके कारण जो है एक के साथ एक और फ्री इसको जो है इनसे वो मिल जाता है पैथोजन, और जिससे पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है. और इवन जो क्योंकि मस्टर्ड है तो इसमें जो सीड्स हैं उन सीड्स में ऑयल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. उसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल है. अब लाइफ साइकिल अभी मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा और उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना है. इसमें देखो दो लाइफ है, कुछ तो इसमें मैदान में यानी फील्ड में होती है और कुछ लाइफ इसकी है पहाड़ों पर हिल रीजन में. तो दो तरीके से चलता है. अब यहाँ पे देखो जो फील्ड वाली है वो फील्ड
अंडे, वो जो फीमेल है जो फील्ड में, वो अंडे नहीं देती है, वो सीधे बच्चे देती है। तो ये ध्यान रखना कि इनमें यही है जिसमें सीधे बच्चे हो रहे हैं, अंडे नहीं हो रहे हैं। तो जैसे अपन एनिमल्स हाई कैटेगरी के हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, वीवी पैरस यानी जरायुज। तो ये क्या हो गई कि ऐसी फीमेल जो अंडे नहीं दे रही सीधे बच्चे दे रही है, तो वो कौन से हो गए, जरायुज या वीवी पैरस। और कुछ है जो क्या करती हैं, बच्चे देती, वो अंडे देती हैं, तो वो क्या हो गई, अंड प्रजक या ओवी पैरस। तो इसमें आप जब लिखोगे तो जैसे मान लीजिए अगर इंडिविजुअल आता है तो अलग है, बाकी अगर आता है फीमेल का तो आप दोनों चीज एक साथ लिखोगे कि ये ओवो वीवी पैरस है, यानी कि अंडे भी देती हैं और बच्चे भी देती हैं, ठीक है। जबकि जो हिल रीजन में हैं वो क्या करती हैं, अंडे भी देती हैं, उनमें लार्वा भी निकलता है और उसमें एडल्ट स्टेज भी पाई जाती है, यानी निम्फ भी होगा, जो अभ्रक जिसे बोलते हैं वो भी होगा। तो वहाँ स्टेज आपकी पूरी कंप्लीट है, जबकि जो फील्ड में होती हैं वो डायरेक्ट जो है बच्चे देती हैं। अब यहाँ पे देखो इन जो है इनका एक और नाम है माहू की, तो ये ध्यान रखना, अगर माहू से नाम आए तब भी आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगर हम डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पे जो है फीमेल है, वो फीमेल दो तरीके के बच्चे देती है, एक तो फर्टिलाइजेशन के बाद और एक बिना फर्टिलाइजेशन के। ये भी ध्यान रखना कि जो फर्टिलाइजेशन है उसके बाद में भी बच्चे बनते हैं और कुछ जो है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो जो बिना फर्टिलाइजेशन वाले बनते हैं उनको अपन वैसे भी क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में अगर अपन थोड़ी सी इसकी लाइफ देखें तो ये लगभग 3 से 7 दिन में जो बच्चे हैं वो एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं और ये वापस से बच्चे देने लगते हैं। तो इतनी जल्दी इनका होता है। तो फरवरी में आप ये देखो कि पूरे जगह जगह आपको ये काले काले कीट जो हैं वो दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ उनकी फोटो वगैरह, तो इसमें आप देख लीजिए। अब उसके बाद में इसका मैनेजमेंट या प्रबंधन, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर वाला है कि हमें बुवाई जल्दी कर देनी चाहिए ताकि फरवरी तक पहुँचे ही नहीं, उससे पहले ही हम उसको ख़त्म कर लें। फिर उसके बाद में कुछ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ है उनको यूज़ करना चाहिए। फिर अगर हम बायोलॉजिकल देखें तो यहाँ पे हमें बायो कंट्रोलर, प्राकृतिक शत्रु का उपयोग करना, जैसे लेडी बर्ड बीटल है, एफिड लॉयन है, तो इनको हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए ताकि ये खाकर ख़त्म कर देती हैं। फिर उसके बाद में केमिकल है, तो केमिकल में क्यूनोल फॉस है 5%, उसको यूज़ करते हैं। मिथाइल डिमेटोन है 25 EC पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा इसका केमिकल कंट्रोल है। अब यहाँ पे देखो कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिफरेंट हैं, बाकी बायोलॉजिकल और ये इसमें ज़्यादा नहीं दिक्कत है, जहाँ होती है फिर वो मैं आपको बता देती हूँ। अब अपन एक और स्टार्ट कर रहे हैं, टर्माइट दीमक, ये भी सबका नोन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओडेंटोटर्मिस ओबेसम ये इंसेक्ट का नाम है। अगर ऑर्डर देखते हो आइसोप्टेरा है, टर्माइटिडी ये इसकी फैमिली है। अब देखो इसका दूसरा नाम है वाइट आंट, सफ़ेद चीटी उसी तरीके से दिखाई भी देती है, आपको फोटो में भी दिख रही है। और जैसे मधुमक्खी होती है, हनी भी होती है, वैसे ही ये भी एक सोशल एनिमल है या सामाजिक प्राणी है, क्योंकि इसकी भी फैमिली में वर्कर्स भी होते हैं, सोल्जर भी होते हैं, राजा रानी भी होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर है। अब देखो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये मान के चलो कि एक दो एग्जाम छोड़ के जेट में क्वेश्चन आ ही जाता है कि या तो पूछा जाता है दीमक के घर को क्या कहते हैं या दूसरी चीज टर्मेटेरिया क्या होता है। तो ये अगर आपने वैसे भी खुले मैदान में या कहीं देखे हों तो मिट्टी के बने हुए, थोड़े मैं ये फोटो भी आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरीके का घर होता है। इसके घर को हम क्या बोलते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, हाइव बोलते हैं, ऐसे इसके घर को हम क्या बोलते हैं, टर्मेटेरिया। फिर उसके बाद में अगर अपन इसका लेबर डिविजन या इसकी वो देखते हैं तो सबसे पहले आता है वर्कर। वर्कर आपको पता है क्योंकि काम करना है, इसलिए जो है इसके माउथ पार्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ताकि ये घर के सारे काम कर सके।
फिर उसके बाद में सैनिक, सोल्जर। अब ये जो सोल्जर है, ये अगर वर्कर 80% है तो ये लगभग 3-5% होते हैं, और ये पूरे के पूरा जो इनका घर है जैसे टर्मिट एरिया, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो इनके जो है माउथ पार्ट इतने डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन ये जो इनके पैर वगैरह हैं, ये जो डंक हैं, उनसे ये पूरी उसकी सुरक्षा करते हैं। फिर उसके बाद में है किंग और क्वीन, राजा और रानी। ये आपको बताइए कि बिल्कुल रॉयल शाही सदस्य हैं, और इनका काम केवल क्या है, निषेचन करना, और रानी है वो अंडे देती है। ठीक है, अब रानी जैसे मधुमक्खी में थी, सबसे बड़े आकार की होती है और 1 सेकंड में 1 अंडा देती है। इसके ये मान के चलो कि लाइफ में 70-80 हज़ार अंडे दे देती है, इसलिए इसे अंडे देने वाली मशीन भी कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, ये कभी कोई क्वेश्चन आता है कि किस फीमेल को अंडे देने वाली मशीन कहते हैं, तो वो कौन सी, दीमक की रानी। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी जो रिप्रोडक्टिव जनरेशन है वो 3 तरीके की है। किसी में बड़े पंख होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ पंखी या मैक्रोपेट्रस, और जिनमें छोटे हैं उनको बोलते हैं बायोपेट्रस या लघु पंखी, और किसी में नहीं होते तो एपेट्रस, यानी कि इस तरीके से इसमें अलग अलग पंख होते भी हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं या नहीं होते। फिर उसके बाद में इसकी थोड़ी सी हार्म देखते हैं, तो ये भी एक क्या है, सर्वभक्षी है, सभी चीज़ों को खा लेता है और नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। और ये मान के चलिए कि सेलुलोज या लकड़ी तो इसकी फेवरेट होती है, लकड़ी में, दीवार में, कहीं देखो सब जगह दीमक लग जाती है और वहाँ पे उसको पूरा का पूरा खोखला या ख़त्म कर देती है। फिर उसके बाद में अगर आप देखो तो उसके मिट्टी के अंदर, लकड़ी के अंदर बड़ी बड़ी सुरंगें होती हैं, और अगर वो जगह नहीं हो तो खुले मैदान में इसके बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसी जो है आपको चीज़ें दिखाई देंगी। तो इस तरीके से ये उसका अपने घर का निर्माण करती है, और उस चक्कर में जो भी चीज़ से मिलती है उसको ये खाकर ख़त्म कर देती है। फिर या तो एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पे जो है ये इन्फेक्शन ज़्यादा करती है। तो अगर पानी होगा तो उसके घर में घुस जाएगा तो ये रह नहीं पाएगी, तो इसलिए जो है पानी कम वाले जगह पे ये ज़्यादा होती है। इसीलिए पूरे टाइम तो ये एक्टिव रहती है, लेकिन जब रेनी सीजन आता है तब इसलिए जो है नहीं मिलती है, क्योंकि ये अगर उस पानी में बह जाती है या इसके मकान घर है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद में है फिर इसकी लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल में क्या है कि सबसे पहले जब ये मान के चलिए जो बड़े पंख वाले हैं वो पंख से उड़ते हैं, और उसके बाद में जो है इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के ये मतलब ये काम जो होता है फर्टिलाइजेशन का, वो शाम या रात में होता है। और उस समय अगर कोई आर्टिफिशियली लाइट हो या जैसे बल्ब वगैरह जल रहा हो तो उस समय ये इससे थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं, और उस समय इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद में फिर ये फीमेल है वो अंडे देना चालू कर देती है। तो जैसे मक्खी के छत्ते में छोटे छोटे बॉक्स जैसे कक्ष थे, ऐसे इनके भी होते हैं, और उसके अंदर ये अंडे देती है। फिर उसके बाद में अगर अपन इसके एग देखें, और ये एक भी इम्पॉर्टेंट है, इसके जो एग हैं वो कैसे होते हैं, येलो कलर के, लेकिन उसका शेप कैसा होता है, किडनी जैसा, बीन्स जैसा, जैसे अपना राजमा वगैरह होता है उस तरीके से होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद जो है इसमें से निम्फ निकल जाते हैं या इसके शिशु बाहर निकल जाते हैं, और ये जो है ये मान के चलो कि सबसे पहले 6 महीने में तो है सबसे पहले सैनिक या श्रमिक वो डेवलप होते हैं, लेकिन जो जननिक यानी राजा रानी है उनको डेवलप होने में 1-2 साल का समय लगता है, 1-2 ईयर जो है उसके बाद वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे ये इसी तरीके से अंतर है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें अधिकतर इम्पॉर्टेंट तो यही है, तो इसका घर का नाम आ जाता है, फिर दूसरा इसका जो टाइप्स हैं या लाइफ साइकिल है उसके बारे में आ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जो है इसका वही प्रबंधन है, मैनेजमेंट। तो सबसे पहले सस या एग्रीकल्चर वाला है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो जो है हम इसकी जो जगह है जहाँ ये रहता है टर्मिट एरिया, इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो दीमक अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद में जो है
हम जैसे प्लांट वगैरह में हैं तो उस समय जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो फर्टिलाइजर बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर हम रॉ यूज करते हैं तो दीमक लग जाती है और वो हमारा प्लांट बनने की जगह वो पूरी की पूरी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद में जो है, अगर खेत में कोई कचरा वगैरह पड़ा है तो उसको जला के ख़त्म करना देना चाहिए, तो अगर उसमें दीमक होगी भी तो वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में केमिकल है, तो केमिकल में हमें कोई भी उगाने से पहले, कोई भी सोइंग करने से पहले क्रॉप को पैराथियन या मेलाथियन इस पाउडर से उस सॉइल को कर देना चाहिए, तो अगर अंडे हों या कोई उसका हो फैमिली तो वो पहले से ही ख़त्म हो जाए। उसके बाद में जो है क्लोरोपाइरीफॉस या क्यूनोलफॉस इन सब से जो है सॉइल को ट्रीट करना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि पानी में नहीं होती है इसलिए ये सारा चीज़ किसे, स्प्रे के थ्रू, इरिगेशन के थ्रू पानी के साथ देंगे तो अगर होगी भी तो वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में जिस गड्ढे में, जैसे कोई अपन प्लांट की नर्सरी से लाके उसको वहाँ पे कर रहे हैं तो उसमें भी मिथाइल पैराथियन इन सब से जो है सॉइल को ट्रीट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे कीटनाशक जो है उसको अपन थोड़ा सा स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे पुराने जो अपने गार्डन वगैरह हैं तो वहाँ पे अगर हम उसमें कर लें तो उससे भी जो है दीमक ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें कोई वो वाली बात है नहीं कि कोई प्रतिरोधी किस्में वगैरह हम लें, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है तो इससे ये सॉइल को इन्फेक्ट कर रहा है, तो किसी तरीके की कोई दीमक की प्रतिरोधी किस्म अभी तक नहीं बनी। तो ये आज आपका दो कंप्लीट हो गए, एक तो मोइला हो गया और एक टर्माइट हो गया। अब आपके बच रहे हैं धीरे धीरे, फिर अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।